बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत और पाक नामों के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अलहयो, अलहयो का मतलब है दायम जिंदा रखने वाला। जो शख्स 3000 मरतबा रोज़ाना या ला तादाद इसका विर्द करे, इंशाल्लाह ताला बीमार ना होगा और बीमार मुश्क व गुलाब से लिख कर धो कर पिए बीमारी से शफा पाएगा। अलकयूमो, इसका मतलब है सबको थामने वाला। इस इस्म का बकसरत विर्द करने से इंशाल्लाह ताला लोगों में इज्जत और साख बढ़ेगी। तन्हाई में इसका विर्द करने वाला शख्स खुशहाल हो जाएगा। अलवाजिदो, हर चीज़ पा लेने वाला। खाने के वक्त इस इस्म के विर्द से गज़ा कल्ब की ताकत और कुव्वत और नूरानियत का बाइस बनेगी। अलमाजिदो, बुजुर्गी और बड़ाई वाला। तन्हाई में इतना पढ़ा जाए कि बेखुदी तारी हो जाए तो अल्लाह ताला कल्ब पर अनवार इलाहिया ज़ाहिर कर देंगे। अलवाहिदुल अहदो, एक यकता। 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ने से दिल से मखलूक का खौफ निकल जाएगा। बे औलाद इसको लिख कर अपने पास रखे तो वो साहिब औलाद हो जाएगा। अलसमत बेनियाज, सहर के वक्त 125 मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला ज़ाहरी और बातनी सच्चाई अता फरमाते हैं। बावजू या जुमे को इसका विर्द करने वाला मखलूक से बेनियाज हो जाएगा। अल कादिरो, गिरफ्त वाला, कुदरत वाला। 2 रकत नमाज नफल पढ़कर 100 दफ़ा या कादिरो पढ़े, अल्लाह ताला दुश्मनों को जलील और रुस्वा करेंगे। कोई दुश्वारी पेश आ जाए तो 41 दफ़ा या कादिरो पढ़ने से इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। अल मुक्तदरो, पूरी कुव्वत रखने वाला। सोकर उठने पर बकसरत या 20 मरतबा या मुक्तदरो का वर्द करने से तमाम काम आसान होंगे। अल मुकद्दमो, आगे बढ़ाने वाला। हंगाम, जंग या मुकद्दम के बकसरत वर्द करने से इंशाल्लाह ताला पेशकदमी की कुव्वत हासिल होगी और दुश्मनों से हिफाजत होगी। अल मुअख्खिरो, पीछे हटाने वाला। रोज़ाना 100 दफ़ा पढ़ने से अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा और उसके लिए बेचैनी भी पैदा होगी और सच्चाई की तौबा करने की तौफीक भी हासिल होगी।